घंटों तक देखा खुद का वीडियो गुरु एबी डिविलियर्स की बात, फिर लिया माँ का आशीर्वाद और गाड़ दिया झंडा। T20 के बाद वनडे में भी आया सूर्या भाव का तूफान, एक ओवर में लगाए लगातार 4 छक्के, युवराज सिंह की आई याद। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ग्रीन का चेहरा हुआ लाल, कहकर लौटे सूर्या इस वर्ल्ड कप में मारेंगे 13 शतक, बनाएंगे रिकॉर्ड। जो लोग कहते थे कि सूर्य कुमार यादव वनडे का खिलाड़ी नहीं है, ये सिर्फ T20 का बादशाह है, वो सूर्या की ये पारी बार बार देखनी। हम बताएंगे कि सूर्या ने ये फॉर्म वापस कैसे हासिल की, T20 वाला आत्मविश्वास वनडे में कैसा लौटा, वो 5 काम सूर्या ने कौन से किए जो वनडे में भी उन्हें किंग बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उस ओवर की कहानी सुनिए जिसमें सूर्या ने लगातार छक्के लगाए। ये पल सूर्या के फैंस के लिए सबसे रोमांचक था। 41वें ओवर की पहली गेंद लेकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कैमरून ग्रीन दौड़े तो सूर्या ने उसे सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया। दूसरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर छक्का लगाया। तीसरी गेंद आई तो पोजीशन बदली और फिर छक्का जड़ दिया। अब तक कमेंटेटर भी कहने लगे थे कि क्या सूर्य कुमार यादव आज 6 गेंद पर 6 छक्का मारने के मूड में आए हैं। और चौथी गेंद जैसे ही आई डीप मिड विकेट के ऊपर से उसे भी बाउंड्री के पार भेज दिया। मतलब 4 गेंद में ही सूर्य कुमार यादव 24 रन बटोर चुके थे और अभी 2 गेंदें बाकी थीं, पर अफसोस बाकी की 2 गेंदों पर छक्का नहीं लग सका, वरना सूर्य कुमार यादव का नाम भी युवराज सिंह वाली लिस्ट में शामिल हो जाता। हालांकि बावजूद उसके सूर्या के बल्ले से निकली इस पारी की तुलना युवराज सिंह से की जा रही है, क्योंकि एक ओवर में 4 छक्के वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ लगाना आसान नहीं है। 37 गेंद पर 6 चौके और 6 छक्के लगाकर 72 रनों की पारी खेलकर भी सूर्य कुमार यादव ऐसा लगा खुश नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे सबसे तेज शतक पूरा किया जाए। हालांकि उनका ये सपना यहां पर साकार नहीं हो सका, पर वर्ल्ड कप में सूर्या के बल्ले से 13 शतक आ सकता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की खास बात यह है कि अगर वो शुरुआती 25 गेंदों में 50 रन बनाते हैं और अगले 50 रन के लिए वो 25 से भी कम गेंद लेते हैं और जैसे जैसे स्कोर बढ़ता है चौके छक्कों की संख्या बढ़ती जाती है। अब तक वनडे में 13 शतक सिर्फ स्टीफन नीरो नाम के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने लगाया है, वो भी ब्लाइंड क्रिकेट इंटरनेशनल मुकाबले में। वैसे दोहरे शतक का रिकॉर्ड टीम इंडिया में गिल, ईशान किशन और रोहित सबके नाम है, पर 13 शतक वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह भी है कि मुश्किल से वनडे में 300 से 400 रनों का आंकड़ा पार होता है, तो ऐसे में एक ही खिलाड़ी 300 रन कैसे बना सकता है। लेकिन असंभव को संभव बनाने का नाम ही सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव ने पहले वनडे में भी शानदार अर्धशतक लगाया और दूसरे वनडे में भी शानदार पारी खेली, जिसके बाद उनके फैंस भी ये जानना चाहते हैं कि सूर्या ने ये कैसे किया। तो उन्होंने 5 बड़े काम किए जिससे उनका लय वनडे में भी लौट चुका है। पहला, वनडे मैच का हर वीडियो उन्होंने बार बार देखा और समझा कि कौन सा शॉट नहीं खेलना था, यहाँ क्या क्या कर सकता था। दूसरा, अपने गुरु एबी डिविलियर्स से फोन पर बातचीत की, दिक्कतें बताई, कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, कोहली और धोनी से भी सूर्या ने सलाह ली। तीसरा, अपने स्टाइल के शॉट पर और मेहनत की ताकि 50 ओवर की मैच का दबाव उनके ऊपर हावी ना होने पाए। चौथा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी से बातचीत की, वो खुद कहते हैं कि हर मैच से पहले बात करता हूँ। पांचवा, माँ बाप का आशीर्वाद इस मैच से पहले भी लिया और जैसे ही फील्ड पर उतरे झंडा गाड़ दिया। सूर्या की इस तूफानी पारी में शतक तो नहीं है, पर खुशी शतक से भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि BCCI भी यही चाहता था कि सूर्या का फॉर्म लौटे और हमें वर्ल्ड कप में वो खिलाड़ी मिले जो कम गेंदों पर मैच जिताने का मादा रखता हो। अब श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी लौट चुका है, उन्होंने भी इस मैच में शतक लगाए हैं, तो नंबर 4 की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। आप क्या चाहेंगे, नंबर 4 सूर्या के लिए फिक्स हो या फिर सूर्या और अय्यर दोनों टीम में रहें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जिन्हें लगता है कि सूर्या T20 का खिलाड़ी है उन तक ये वीडियो भी पहुंचाएं ताकि वो समझ सकें कि सूर्या के ताप से जब ऑस्ट्रेलिया के टॉप खिलाड़ी कैमरून ग्रीन का चेहरा लाल हो गया तो बाकी विदेशियों का क्या होगा।